कोरोना को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे सिरमौर प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 600 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था कर ली है। फिलहाल पोंटासाही में करीब 150 लोगों को क्वारंटाइन और शेल्टर होम में रखा गया है, लेकिन यदि आने वाले दिनों में महामारी और पैर पसारती है तो इसके लिए अभी से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। SDM LR वर्मा ने पोंटासाही में 2 से 3 स्थानों का निरीक्षण कर करीब 600 लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की है। इसमें पोंटा साहिब के राधा स्वामी सत्संग भवन में ही अकेले करीब 500 लोगों को ठहराने का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही रेनबैक्सी चौक पर एक होटल में 40, धोलाकुआ में कृषि विभाग के गेस्ट हाउस में भी 40 और मिश्रवाला में स्थित मदरसा कादरिया में भी कुछ लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। बहरहाल पोंटा साहिब प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यहां पर हर दिन किसी न किसी बहाने बाहरी राज्यों से कोई न कोई घुसपैठ कर रहा है, जिसे देखते हुए ही यह कदम उठाया है। यदि संख्या बढ़ती है तो आज हमने इसके बारे में छानबीन की है। सबसे पहले हम राधा स्वामी सत्संग से चले हैं। राधा स्वामी सत्संग में लगभग हमारे पास जो रिलीफ कैंप हो सकता है करीब करीब 500 लोगों का हो सकता है। उसके पश्चात हमने धोलाकुआ में जो हमारा फार्मर गेस्ट हाउस है उसमें भी करीब करीब 40 से 50 व्यक्तियों की सुविधा हो सकती है। इस तरह से हमने मदरसा कादरिया में भी 10 से 15 लोगों के व्यवस्था हमने देखी है कि इसमें हो सकती है। तो कुल मिला के हम लोग जो है 600-650 लोगों की और व्यवस्था देख के आए हैं। करियर एकेडमी नाहन आपके लिए लाया है ऑनलाइन क्लासेस। लॉकडाउन की अवधि लंबी होने की वजह से क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए नाहन शहर की करियर अकादमी घर बैठे छात्रों को बहुत ही कम शुल्क पर कोचिंग उपलब्ध करवा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होगा कैसे, तो चलिए बताते हैं। दरअसल स्टाफ व छात्रों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें वही सामग्री अपलोड की जाती है जो ऑफलाइन होनी चाहिए थी। इसमें ऑडियो व वीडियो का सहारा भी लिया जाता है। शिक्षकों के साथ चैट भी संभव होती है। कोर्स को अलग अलग वर्गों में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक चलाने की व्यवस्था की गई है। समन्वयक मनोज राठी का कहना है कि वो हैरान है कि छात्र कक्षा में इतने सवाल नहीं पूछते जितने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आओ हम सब मिलकर कोरोना वायरस से डरे नहीं सतर्क रहें। आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाहन सिरमौर सभी छात्रों, उनके अभिभावकों व शहर के लोगों का आह्वान करता है कि हमेशा सैनिटाइजर व मास्क का इस्तेमाल करें। किसी विशेष स्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर पर रहें, संयम बरतें। नवीन सत्र के लिए सभी कक्षाओं में प्रवेश व परीक्षा की तिथि सरकार के आगामी आदेश के बाद ही घोषित की जाएगी। प्रदेश में लॉकडाउन व कर्फ्यू के बाद सरकार व प्रशासन के साथ सहयोग करें। मेरे रेणुका वासियों को सबको मेरा प्रणाम। जैसे कि आपको विदित है कि आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है और पूरे विश्व में ये जो COVID-19 है इसका जो असर देखने को मिला है और ये एक महामारी जो WHO ने निर्धारित की, उन्होंने बताया है कि महामारी के रूप में ये पूरे विश्व में फैली है। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 450 से 500 के करीब लोग इससे ग्रस्त हैं और ये धीरे धीरे करके पूरे देश में और प्रदेश में फैल रहा है। तो इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े एहतियात बरतने हैं, थोड़ा आपने संयम रखना है और अपना आना जाना थोड़ा कम करना है। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं।
और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।